तो आज हम भाषा अध्ययन व्याकरण उसमें अविकारी शब्द यानी अव्यय, तो अव्यय की परिभाषा यानी अव्यय किसे कहते हैं। अविकारी वे शब्द है जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं आता नहीं होता, अर्थात इनका रूप सदा एक सा रहता है, इन्हें अव्यय कहते हैं, यानी जिसमें कोई विकार न होना। अपरिवर्तनशील यानी मराठी में उनको जसाचा तस ऐसा भी कहते हैं, यानी ज्यों का त्यों। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनको अविकारी शब्द या अव्यय कहा जाता है। तो जैसे यहा वहा और परंतु साथ कारण आदि ये जो शब्द है उनमें लिंग वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये शब्द अपरिवर्तनशील है, अविकारी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है, जो उनका त्यों ऐसा उनका रूप होता है, इसलिए ये जो शब्द है उनको अविकारी शब्द यानी अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्द यानी अव्यय उनके भी चार भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। अब हम क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में यह जानकारी लेंगे। सबसे पहले उनकी परिभाषा की जानकारी लेंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी यह जो विशेषता है स्थान काल रीति रीति यानी परिस्थिति, परिमाण परिमाण यानी नापना तौलना नाप तौल का बोध होना आदि से संबंधित होती है, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। तो क्रिया विशेषण अव्यय के जो उदाहरण है उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये जो उदाहरण है, पहला वहा कोई नहीं था, यानी ये जो वाक्य है उसमें वहा वहा से आपको क्या बोध होता है, वहा यानी स्थान का बोध होता है, इसलिए वहा क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा वाक्य है बहन कल आएगी, इसमें ये जो वाक्य है उसमें कल कल से क्या बोध होता है, समय का बोध होता है, यानी बहन कब आने वाली है, कल आने वाली है, यानी काल का बोध होता है। उसी प्रकार तीसरा जो उदाहरण है गाड़ी धीरे धीरे चलती है, गाड़ी धीरे धीरे चलती है यानी गाड़ी कैसी चलती है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे इस शब्द से क्या बोध होता है, रीति रीति यानी परिस्थिति, गाड़ी कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। उसी प्रकार चौथा जो उदाहरण है पिताजी ने उसे बहुत समझाया, ऐसे समझाया बहुत बहुत यानी एक प्रकार परिमाण का बोध होता है, इसलिए बहुत यह क्रिया विशेषण अव्यय है। पांचवा जो उदाहरण है आज कौन सी परीक्षा है, इसमें भी आज आज यानी एक प्रकार काल का बोध होता है, इसलिए आज एक क्रिया विशेषण अव्यय है। छठा जो उदाहरण है तुम वहां इत्मीनान से रहोगी लक्ष्मी, यानी कहा तो वहा यानी स्थान का बोध होता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय है। सातवां उदाहरण है मैं रोज प्रार्थना करता हूँ,
यानी इसमें रोज यानी क्रिया की विशेषता क्या है, रोज यानी क्या, एक काल का बोध होता है, समय का बोध होता है, इसलिए ये जो रोज है यह क्रिया विशेषण अव्यय है। आठवां जो उदाहरण है, यह पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यानी यह यानी स्थान का बोध होता है, यानी यह क्रिया विशेषण अव्यय है। अब नवा जो उदाहरण है, करामत अली धीरे धीरे चलकर गाय के पास आया। कैसे आया वो, धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे ये क्या है, रीति है, रीति यानी परिस्थिति का बोध होता है, इसलिए धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इन उदाहरणों से हमने यह एक प्रकार की जानकारी ली है कि क्रिया विशेषण अव्यय यानी जिनके रूप में लिंग यानी यह जो क्रिया विशेषण अव्यय जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो कौन सी विशेषता, स्थान से संबंधित है, काल है, रीति है, परिमाण है, आदि से संबंधित होती है, ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो आपको स्वाध्याय के रूप में ये जो क्रिया विशेषण अव्यय है उनके आपको 10 उदाहरण लिखने हैं। धन्यवाद।